अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी बहनें। उम्मीद करती हूँ जहाँ कहीं पे भी होंगी खुश और आबाद होंगी। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मटन के कोफ्ते, और आप इसको मटन के कोफ्ते में भी बना सकते हैं, बीफ का भी कीमा ले सकते हैं और चिकन का भी कीमा भी ले सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ मटन के कोफ्ते, और मटन के कोफ्ते को मैंने अच्छे से धोकर और इसके अंदर से पानी खुश्क बिल्कुल कर लिया है। तो अब मैं सबसे पहले डालने जा रही हूँ इसमें बारीक कटी हुई प्याज। ये मेरे पास है बिल्कुल बारीक कटी हुई प्याज। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताती जा रही हूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो। अब ये मेरे पास है हरी मिर्चें। ये मेरे पास 3 से 4 हरी मिर्चें थी, ये मैं डाल रही हूँ। और इसी के साथ मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। ये मेरा चला गया अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा खाने का चम्मच। और अब मैं इसे कर लूँगी अच्छे से मिक्स, और मिक्स करने के बाद इसके बना लूँगी बॉल्स। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ कि ऐसे नहीं कि हमारे कोफ्ते फीके रह जाएँ, तो इसलिए थोड़ा सा बिल्कुल चुटकी से नमक डाल रही हूँ क्योंकि मुझे ग्रेवी में भी डालना है। तो ये मैंने डाल दिया, अब मैं इसे करके मिक्स और फिर मैं इसके बना लूँगी बॉल्स। और बॉल्स आप अपने हिसाब से बनाइए, अगर आपके घर में बड़े वाले खाए जाते हैं तो बड़े बनाएं, अगर छोटे खाए जाते हैं तो छोटे भी बना सकते हैं, इट्स अप टू यू। और कीमा आप बिल्कुल उसमें से पानी निचोड़ के, और फिर पानी का एक भी कतरा उसमें नहीं होना चाहिए वरना आपके कोफ्ते टूट जाएंगे, आपके कोफ्ते अच्छे से नहीं बनेंगे। तो अब मैं बनाने लगी हूँ उसके बॉल्स, और उसके बाद का स्टेप मैं आपको बताती हूँ। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपने कोफ्ते बना लिए हैं, तो अब मैं इसे क्या करूँगी, इसलिए मैं आधे घंटे के लिए फ्रिज में नीचे वाली साइड पर मैं इसे रख दूँगी आधे घंटे के लिए। इसका तरीका ये है कि जब भी आपका कीमा ठंडा होगा आपके कोफ्ते कभी भी नहीं टूटेंगे, चाहे आप कोफ्ते बना रहे हों, चाहे आप चपली का बना रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, मसाला वगैरह लगा कर जो भी करना है उसको कर आप ठंडा करके रखें, उसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, उसके बाद आगे का प्रोसीजर करते जाएं। अब जैसे कि मैंने अपने कीमे को रख दिया है, तो मैं अब ले रही हूँ एक कढ़ाई, उसमें गर्म करूँगी ऑयल। ये मैं लूँगी 3 खाने के चम्मच के करीब ऑयल, ये मैंने ले लिया। अब मैं इसे गरम करूंगी, और गरम करने के बाद इसमें मैं डालूंगी प्याज। यहाँ मैंने इस तरह की प्याज बनाई हुई है, लंबे लंबे काटे हुए हैं प्याज को, और मेरे पास ये पूरी तकरीबन छोटी वाली 3 अदद प्याज है, 3 डलियाँ उसकी बिल्कुल छोटी वाली थी, उसको मैंने इस तरह से काट लिया है। तो मैं तेल गरम होने के बाद, गरम हो चुका है तो मैं ये डाल रही हूँ, और मैं इसको लाइट ब्राउन सा कर लूँगी ताकि गोल्डन कलर का हो जाएगा। तो उसके बाद का आगे का प्रोसीजर मैं करूँगी, तो तब तक मैं ब्राउन करती हूँ प्याज को। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी प्याज लाल हो चुकी है, अब मैं इसमें क्या करूँगी, लाल प्याज को और टमाटरों को, ये मेरे पास 2 अदद टमाटर थे, इन टमाटर को मैं पीस लूँगी। ये मेरे पास 2 अदद टमाटर हैं, इनको मैं पीस लूँगी। अब मैं उसी तपीली में और उसी ऑयल में जिसमें मैंने प्याज ब्राउन की थी उसमें मैं डालूंगी आधा खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको मैं थोड़ा सा करूंगी सौते। ये थोड़ा सा सौते हो जाएगा तो मैं अब डालूंगी इसके अंदर ब्राउन प्याज और टमाटर का प्यूरी। ये मैंने ब्राउन प्याज और टमाटर को पीस लिया है, 2 टमाटर 3 प्याज जो मैंने सुनहरी की थी उसको अब मैं ये डालने जा रही हूँ। ये सारा मैं डाल दूंगी, इसके अंदर थोड़ा सा पानी और डालकर। ये मैंने डाल दिया, अब इसी के साथ मैं इसमें अपने मसाले डालूंगी। मसालों में मैं डालूंगी अब मैं अपना
थोड़ा आइस से दरमियानी आंच पे कर दूंगी ताकि मेरे मसाले भी जले नहीं। मसालों में मेरे पास है हल्दी हसबे ज़रूरत, लाल मिर्च का पाउडर, आपके टेस्ट के हिसाब से, और धनिया पाउडर। ये मेरे पास है धनिया पाउडर, ये मैंने डाल दिया। और अब मैं इसी के साथ में डालने जा रही हूँ नमक। नमक आपको हसबे जायका जो भी आप फिगर वाले पसंद करते हैं उस हिसाब से आपको डालना है। और ध्यान से डालिएगा, कोफ्तों में अलग से है। अब मैं इसकी करूँगी भुनाई, इसके बाद बुनाई भी करते जाऊंगी। और उसके बाद मेरे पास आधी प्याली मैंने ली है दही, इसको मैं फेंट लूंगी, लेकिन इसको अभी नहीं डालूंगी, पहले मेरे मसाले अच्छे से भून जाएं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा मसाला काफ़ी हद तक भून चुका है, तो मैं इसमें इसी के साथ में डाल रही हूँ दही। बस इतनी मुझे काफ़ी, थोड़ी सी मैंने बचा ली है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करके और इसकी बुनाई करूँगी ताकि हमारे जो मसालों का जो कच्चापन थोड़ा बहुत है वो भी ख़त्म हो जाए। अब जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है, तो मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। पानी मैं डाल रही हूँ इतना, ये मेरे पास पूरा जग था, इसमें से मैंने आधा बचा लिया है, थोड़ा सा है। और अब मैं इसको जोश आने के लिए रख दूँगी ताकि इसके अंदर अच्छा सा जोश आ जाए पानी में। फिर उसके बाद के स्टेप्स मैं आपको बता दूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पानी जो है वो पूरा अच्छे से बॉयल हो चुका है, उबाल आ चुका है। तो अब मैं अपने ठंडे हुए हुए कोफ्ते इसमें डालूंगी और मैं चूल्हे को बिल्कुल दरमियानी आँच पर कर दूँगी ताकि वो कोफ्ते टूटे नहीं डालते वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसी तरह मैं सारे कोफ्ते हाथ से इस तरह करके और डालती जाऊँगी। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अपने सारे कोफ्ते डाल दिए हैं। तो कोफ्ते डालने के बाद आपको चम्मच नहीं चलाना है और आपको चूल्हा बिल्कुल मीडियम आंच पे होना चाहिए और उसके बाद आप इसको ढककर रख दें। मैं इसको ढककर रख रही हूँ ताकि कोफ्ते, अब हमारा जो मीट जो कच्चा हुआ है वो अच्छे से पक जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे कोफ्ते एकदम रेडी हैं और ये बिल्कुल अंदर से पक चुके हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ और देखिए ये बिल्कुल भी नहीं टूटे, ये बिल्कुल उसी शेप में है। इसके ट्रिक यही थी कि आप इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, चाहे कोफ्ते बनाएं चाहे चपली कबाब बनाएं। इसके अलावा अब ये सालन हो गया है गाढ़ा, अगर आपको पतला रखना है तो पतला रखें, मुझे स्टेज पर इतना सही लगता है अपने घर वालों के लिए। तो अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ हरी मिर्चें, ये मैंने डाल दी हरी मिर्चें। इसी के साथ मैं डालूंगी हरा धनिया, ये मेरे पास हरा धनिया है, ये मैं डाल रही हूँ। और इसकी खुशबू कोफ्तों में बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। अब मैं इसे कर लूँगी मिक्स हल्के हल्के हाथ से और अब मैं इसे कर लूँगी डिश आउट। इस स्टेज पे मैं अपना चूल्हा कर रही हूँ बंद, मेरा चूल्हा हो गया बंद और मैं अब आपको से डिश आउट करके बताती हूँ। मेरे मज़ेदार कोफ्ते रेडी हैं। अगर आपको मेरी डिश पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट डिश में। उससे पहले जाने से पहले एक दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिलती हूँ नेक्स्ट डिश में, तब तक के लिए अपना अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।